सुप्रभातम बेटे। अभी मैं सिक्स कक्षा के लिए आया हूँ। पिछले दिन सिक्स कक्षा को जो दिया था, इसके अलावा पत्र की चर्चा मैंने की थी, जिसमें चर्चा थी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आज मैं उन्हीं दोनों में से एक अनौपचारिक पत्र की बात कर रहा हूँ। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र कार्यालयी पत्र है, हम कार्यालय के लिए लिखते हैं। किन्हीं भी कार्यालय को जो भी देना हो, हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, आवेदन आदि, चाहे वह विद्यालय कार्यालय के लिए हो, प्रखंड कार्यालय के हो, या चिकित्सीय कार्यालय का हो, चाहे जहाँ के लिए हो वहाँ आप दे सकते हैं, वह औपचारिक है। अनौपचारिक जिसमें आप अपने संबंधियों के लिए लिखते हैं, आपके पिता, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी बुआ, मौसी आदि आदि को आप लिखते हैं। तो आपके लिए मैं अनौपचारिक पत्र बुआ के नाम भेज रहा हूं। आप इन्हें सुनेंगे, व्हाट्सएप पर कल भेजा गया था, इन्हें लिखेंगे, और जो गृह कार्य दिए गए थे आप उन्हें भी बनाकर पोस्ट कर देंगे। चलिए हम लोग पत्र लेखन कक्षा 6। गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए बच्चे शिमला गए थे। अपनी बुआ को इस संबंध में पत्र लिखें। मैंने जो पता दिया है वह थोड़ा अलग है, आपका पता अपना होगा। अन्य मार्ग 1, पटना। आज यहाँ आप तारीख भी दे देंगे नीचे, मैंने नहीं दी है तारीख, आप लिख देंगे मेरी भूल है या। आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। पिछले महीने आपने मेरे माता पिता, भाई बहन तथा मेरी शिमला यात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था। मेरे माता पिता, भाई बहन सभी स्वस्थ और खुश हैं तथा मेरी शिमला यात्रा भी अति आनंददायक रही। सभी शिमला की स्वच्छ और स्वस्थ हवा का लाभ लेकर पिछले सप्ताह घर लौट आए हैं। आने के पश्चात पिताजी आपकी याद कर रहे हैं। शेष फिर धन्यवाद, आप भांजा। गृह कार्य मैंने दिया था, अपने मित्र को पोस्ट कार्ड के माध्यम से कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र दें। पूरी हो गई।